पैर से उसे चलाने जाता था, उनका गोड़ा बिल्कुल जाम हुआ हुआ था और इसकी वजह से वो बिल्कुल ही एक तरह से मतलब कि बैठ गई थी एक तरफ से ही। काम कुछ भी नहीं होता था जी उनसे, दूर कहीं जाना तो बहुत मुश्किल से पकड़ के ले जाते थे। मेरा नाम कृष्ण मुरारी है, मैं गांव रायपुर से आया हूँ। सबसे पहले इस हॉस्पिटल का जब इनॉगरेशन हुआ था तो पहले पेशेंट मेरी मिसेज थी सुनीता देवी, जिसका मैंने अगर जो यहाँ पे वो ट्रीटमेंट करवाया, वो एक पैर से बिल्कुल ही लेफ्ट गोड्डे से बिल्कुल ही नहीं चल सकती थी और उनका मतलब बिल्कुल ही बैठ चुकी थी वो दिक्कत कम से कम उनको 2-3 साल पहले से थी जी। से पैर से उसे चलाने जाता था, उनका गोड़ा बिल्कुल जाम हुआ हुआ था और इसकी वजह से वो बिल्कुल ही एक तरह से मतलब कि बैठ गई थी एक तरफ से ही। काम कुछ भी नहीं होता था जी उनसे, दूर कहीं जाना तो बहुत मुश्किल से पकड़ के ले जाते थे। और यहाँ पे भी मैं पकड़ के लाया था डॉक्टर साहब के पास यहाँ से, अब वो लाया था जिस टाइम में ऑपरेशन करवाने के लिए, पकड़ के ही लाया था यहाँ पे। देसी वाला कई जगह ट्राई किया था जी, अगर फिर उनसे कोई फायदा नहीं हुआ और उसके बाद में फिर तो डॉक्टर साहब के पास आए तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसके एक तो बदलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे उनका ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल घर का सारा काम कर लेती है, सारा सब कुछ बिल्कुल सही तरह से, एक तरह से बिल्कुल सही है। थोड़ा डर था फिर इतना है कि डॉक्टर साहब इतने फ्रेंकली और इतने जो मतलब कि व्यवहार से इतने बढ़िया थे कि अगर जो मैडम ऐसे कह रही थी कि अगर जिस टाइम ऑपरेशन करके मेरे को यूँ लग रहा कि मैं किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा रही हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा था कि जिस तरह की मैं घर में हूँ और अपने परिवार के बीच ही एक और है। और मैं इसी के साथ डॉक्टर साहब को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अगर जो लोगों की सेवा इसी तरह करते रहे और दर्द ग्रस्त ग्रस्त हैं जो उनको ठीक करते रहे, मेरे भगवान से यही इच्छा है।